नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है राजद कार्यालय के बाहर हैं और राजद कार्यालय के बाहर ये पोस्टर आप देख रहे हैं। जिस तरीके से लगातार बिहार में जो है पेपर लीक का जो मामला है वो सामने आते रहता है। अभी हाल फिलहाल की बात तो अगर हम लोग कर लेते हैं तो नीट और नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी धांधली देखा गया था। ऐसे में अब जो है राजद के जो छात्र युवा विंग हैं वो जो है अब राजभवन मार्च करेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से नेट के एग्ज़ाम को जो है रद्द कर दिया गया और जिस तरीके से नीट का जो एग्ज़ाम है उसको लंबित कर दिया गया है, कोर्ट में मामला है, और साथ ही साथ जिस तरीके से नीट के एग्ज़ाम में धांधली हुआ था उन चीज़ों को लेकर लगातार राजनीति जो है वो करी जा रही है। लेकिन ऐसे में आप देख सकते हैं राजद कार्यालय के बाहर ये लगाया गया है, राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा नीट और नेट में हुई गड़बड़ी, बिहार में भ्रष्टाचार व आपराधिक घटनाओं में वृद्धि एवं शिक्षा रोजगार आरक्षण बढ़ते हमले के खिलाफ छात्र राष्ट्रीय जनता दल CRJD राजभवन मार्च करेंगे। ऐसे में 2 जुलाई का दिन होगा जो कि राजद का जो छात्र विंग है वो राजभवन मार्च करेंगे। ऐसे में कहा जा रहा है जिस तरीके से लगातार नीट के एग्ज़ाम में धांधली हुई थी और कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव के जो PS हैं वो जो है ब्लैंक चेक लिए थे 40-40 लाख का, उसके बाद जो है सियासी हलचल जो है तेज होता है, उसके बाद छात्र विंग जो है लगातार ये कर रहे हैं। इसमें लिखा गया है जुटान स्थल प्रदेश कार्यालय राजद CR #, जो किया गया है ट्रेंडिंग के लिए CRJD मार्च फॉर नीट। और साथ ही साथ जिस तरीके से उनकी मांगे हैं, जिस तरीके से धांधली की जाती है, लगातार प्रश्न पत्र जो है लीक हो जाता है और जिस तरीके से रिजल्ट में गड़बड़ी देखी जाती है, वैसे में छात्र जो है राजद छात्र विंग है वो कुछ मांग कर रहे हैं जो कि लगातार हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। नेट के एग्ज़ाम में 2024 रद्द करो, री एग्ज़ाम लेने की बात कही जा रही है, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति NEP 2020 रद्द करो, बिहार में फिर से 75% आरक्षण सीमा को लागू करो, बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार और अपराध पर रोक लगाओ, बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराना सुनिश्चित करो, साथ ही साथ बिहार के सभी विश्वविद्यालय में ओलंपिक अस्थायी कुलपति को नियुक्त करो। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से शिक्षा जगत में 18% टैक्स लिया जाता है उस चीज़ों को लेके भी 18% GST युक्त शिक्षा मुक्त करो। जिस तरीके से लगातार GST लाने के बाद जो है शिक्षा में 18% GST के का जो है जोड़ा गया था, ऐसे में कहीं ना कहीं शिक्षा जो है एक गरीब घर से जो लोग आते हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण हो जाता, कहीं ना कहीं उनके बजट से बाहर हो जा रहा था। ऐसे में कहीं ना कहीं राजद का जो छात्र विंग है अब वो है सड़कों पर उतरेंगे। 2 जून का वो दिन होगा जो कि नीट के एग्ज़ाम में जिस तरीके से धांधली की गई है उन चीज़ों को लेकर राजभवन मार्च करेंगे। उनका लगातार यही मांग होगा कि जिस तरीके से नीट के एग्ज़ाम में धांधली की गई और ऐसे में नेट का जो एग्ज़ाम है वो रद्द कर दिया गया, उसी तरीके से नीट का जो एग्ज़ाम है उसको भी रद्द कर दिया जाए। ऐसे में अगर वो नीट का एग्ज़ाम रद्द नहीं करेंगे तो वो लगातार विरोध करते रहेंगे और राजनीति जो पारा है वो काफ़ी गरमाई हुई है। ऐसे में तेजस्वी यादव भी लगातार जो सरकार है उनको घेरते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से छात्र भी जो है तेजस्वी यादव के समर्थन में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से सियासी है वो अब तेज़ हो रहा है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।